आज वाराणसी गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री सेठारे प्रधानमंत्री 6100 कोटी रु अधिक मूल्यर एकाधिक विमान बंदर प्रकल्प उद्घाटन एवं भित्ति प्रस्तर स्थापन करिवे। यहा सहित प्रधानमंत्री आरजे शंकर चक्षु चिकित्सालय उद्घाटन करिवे। दिन दुईटा समय से आरजे शंकर चक्षु चिकित्सालय उद्घाटन करिवे। यापर प्राय 4:15 रे से वाराणसी रे एकाधिक विकासमूलक प्रकल्पर शिलान्यास करिवे। एई अवसर रे प्रधानमंत्री एक समावेश को संबोधित करिवे। जोगाजोग सुविधा वृद्धि करिबा पई देथिबा प्रतिश्रुति अनुजाई प्रधानमंत्री प्राय 2870 कोटी टंकार व्यय अटकल रे वाराणसी रा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्जातीय विमान बंदर रनवे संप्रसारण एक नूतन टर्मिनाल भवन निर्माण एवं अन्यन्य विकास कार्यर शिलान्यास करिवे। एहा छड़ा से प्राय 570 कोटी रु अधिक टंकार व्यय अटकल रे आग्रा विमानबंदर 910 कोटी टंकार व्यय रे दरभंगा विमानबंदर एवं 1550 कोटी टंका व्यय रे बागडोगरा विमानबंदर रे निर्मित हेबाकु थिबा नूतन सिविल एनक्लेव रो शिलान्यास करिवे। सेपरि क्रीडा पई उन्नतमानर भित्तिभूमि जोगाइबाकु प्रधानमंत्री खेलो इंडिया योजना एवं स्मार्ट सिटी मिशन अधीन रे 210 कोटी रु अधिक मूल्यर निर्मित वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रो पुनर्विकास रो द्वितीय एवं तृतीय पर्यायर उद्घाटन करिवे। माननीय प्रधानमंत्री जी का 20 अक्टूबर को वाराणसी में कार्यक्रम है और दो अलग अलग स्थानों पर जनसभा के माध्यम से वे वाराणसी के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पहला कार्यक्रम जो रिंग रोड पे शंकर नेत्र चिकित्सालय का होना है, उसमें पूरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग का वे अवलोकन करेंगे और उसका शुभारंभ करेंगे। माननीय हमारे आदरणीय कांचीपुरम के शंकराचार्य जी की उपस्थिति में सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। वहीं पर लगभग 1000 लोगों की छोटी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उसके उपरांत हमारे वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगरा में आके वे एक बड़ी जनसभा और पब्लिक रैली के बीच में वाराणसी और देश के अन्य 6 एयरपोर्ट्स के कार्यों का शुभारंभ और उसका आधारशिला रखेंगे। उन सभी कार्यों को जोड़ लिया जाए तो 23 कार्य ऐसे हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास वाराणसी के धरती से 20 अक्टूबर को होना है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।